सुबह जागते रात को सोते हम ही याद आते हैं। जिस मंडी में आ करके वो बातें कह करके गए कि कुछ नहीं किया, उन्हें मालूम नहीं है वहाँ जहाँ कार्यक्रम था उससे कुछ कदम के साथ कदम दूर जो है हिमाचल प्रदेश का दूसरा विश्वविद्यालय मंडी में बनाया हमने, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, जिसको वो बंद करने के कगार पर खड़ा कर चुके। मंडी का डिग्री कॉलेज लगभग 45 करोड़ रुपए की बिल्डिंग का काम वहाँ पर आज रुका पड़ा हुआ है, आधा काम हुआ है, आधा काम सुप्पू जी के आशीर्वाद से सरकार बनने के बाद उनने रोक करके रखा, वो नहीं दिखाई दिया उन्हें। और उसके साथ साथ मंडी में हमने एक नहीं बहुत सारी चीज़ें की हैं डेवलपमेंट की दृष्टि से, चाहे वो हॉस्पिटल की बात है, और हॉस्पिटल का जो हमारे वहाँ पर कैंपस बनना था वहाँ पर हॉस्पिटल की एक सुविधा MKH जो बनना था वो बना करके हमने तैयार किया। और इसके अतिरिक्त मंडी के डेवलपमेंट के लिए हमने शिव धाम का एक प्रोजेक्ट लाया था जिसको इन्होंने रोक करके रखा, जिसको बर्बाद करना चाह रहे हैं ये लोग। ऐसे एक नहीं हम 50 गिन सकते हैं, लेकिन उनसे हम इस बात को पूछते हैं कि 10 महीने आपके बीत गए, 10 महीने के अब 11 महीने बीतने जा रहे हैं और 11 महीने के बाद एक साल हो जाएगा, तो आपका एक पैसे का योगदान क्या है मंडी के लिए बताएं तो सही। तो इसलिए हम उनसे यही कहना चाह रहे हैं कि ये आरोप लगाना बंद करिए, और पीछे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 वर्ष के कार्यकाल में काम किए हैं, ये आपकी किस्मत है कि थोड़े से अंतर से आप जीत गए हिमाचल प्रदेश में और उस अंतर से आप मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन ये दौर बहुत लंबा नहीं चलेगा और बहुत जल्दी आने वाले समय में आपको मालूम पड़ेगा कि मंडी के लोगों ने क्या किया। जो प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं, जो प्रश्न लोगों से पूछ रहे हैं कि जयराम ठाकुर ने क्या किया, अगर हमने काम किया है तो मंडी के 10 में से 9 विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की जीत हुई, ये भी उनको याद होना चाहिए। केंद्र द्वारा दी गई